एक तरफ आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ग्रैंड स्केल पर यानी कि प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज इटीसी के सारे इंटरैक्शन और उसके पीछे के साइंस को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है। वहीं दूसरी तरफ नील्स बोर और मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी हमें माइक्रो लेवल पर यानी कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और क्वार्क्स के लेवल पर यूनिवर्स कैसे काम करता है इसे ब्यूटीफुल एक्सप्लेन करती है। लेकिन ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे से सहमत नहीं रहती है। लेकिन अगर हमें ब्रह्मांड को पूरी तरह से समझना है तो हमें इन दोनों थ्योरीज को कंबाइन करना होगा और यहीं पे एंट्री होती है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की। जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स ये दोनों ही थ्योरीज अपनी अपनी जगह पर बहुत ही अच्छी तरह से काम करती हैं। लेकिन ऐसे जगह जहां हमें दोनों ही थ्योरीज की जरूरत पड़ती है जैसे कि ब्लैक होल, बिग बैंग, तब दोनों ही थ्योरीज हमें निराश भरे रिजल्ट्स देते हैं। और इसीलिए रिसर्चर के मन में ये सवाल आया कि क्या हम एक ऐसी थ्योरी की तलाश कर सकते हैं जो एटॉमिक लेवल पर क्वांटम फील्ड थ्योरी के तरह काम करे और ग्रैंड लेवल पर जनरल रिलेटिविटी का रूप ले सके। और ऐसा ही कुछ करने का कोशिश करता है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिसे कि E8 के नाम से भी जाना जाता है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग 8 डायमेंशन के मदद से हमें ये बताता है कि यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स एक 8 डायमेंशन क्रिस्टल का 4D प्रोजेक्शन टेसरेक्ट है। जिस तरह से टीवी स्क्रीन को छोटे छोटे पिक्सल्स मिलकर बनाते हैं, उसी तरह से हमारा ब्रह्मांड भी पिक्सेलेटेड है। और यानी E8 पिक्सेलेटेड का प्रोजेक्शन हमारा रियलिटी का पिक्सल है, या फिर आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है। E8 थ्योरी की खास बात ये है कि ये फोर्सेस के साथ साथ यूनिवर्स के फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स जैसे कि प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ETC की भी वैल्यू को एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्यों इन कॉन्स्टेंट्स की यही वैल्यू है। जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स को हाइब्रिड करने का काम एक और थ्योरी करती है जिसका नाम स्ट्रिंग थ्योरी है। स्ट्रिंग थ्योरी कई सारे न्यू और विचित्र आइडियाज से मिलकर बनी है जैसे कि एक्स्ट्रा डायमेंशन, पैरेलल यूनिवर्स, डीप ब्रेन्स एटसेट्रा। पर इन सभी में सबसे इंटरेस्टिंग और फंडामेंटल प्रिंसिपल रहा है कि स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हमारी दुनिया की सभी चीज जैसे कि पानी और हवा या प्लास्टिक और आयरन, इन सभी का निर्माण क्वांटम लेवल पर स्ट्रिंग से हुआ है। अब ये हैरान करने वाली बात है क्योंकि सभी जीव किसी स्ट्रिंग से बनी हुई हो तो आखिर वाटर और एयर की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों होता है। सो फ्रेंड्स, स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक ये स्ट्रिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती है और इसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, न्यूट्रिनोज जैसे फंडामेंटल पार्टिकल सभी के प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। यही पार्टिकल एक साथ कंबाइन होकर अलग अलग तरह के एटम्स का फॉर्मेशन करते हैं जिससे एयर और वाटर की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। हमारी इंसानी थ्योरीज को बहुत सारे समस्याओं को सुलझाना है और इंसान के क्यूरियस क्वेश्चंस का जवाब लाना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना और अगर अब तक आपने ब्रूस वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, सब्सक्राइब कर दो।